बैक यू टू माई चैनल। जैसे कि आप सब नेक्स्ट वीडियो में बताए थे कि मैंने मतलब पिछले वीडियो में बताए थे कि आपको हर सोमवार का मतलब कि हर सावन का जितने भी सोमवार आएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पोस्टर वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, आपको यूज करना है और अपना मतलब दर्शकों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं ये मतलब कि आपको इस तरह का द्वितीय मतलब सावन का आपको मिल जाएगा और सोमवार का मतलब पोस्टर। तो आपको क्या करना है कि इसको यूज करना है, आपको दर्शकों का हार्दिक शुभकामनाएं दे देना है। कैसे करना है आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा प्रोसेस तो बता देंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नए कुछ सीखते रहिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, कमेंट में बताइए अपना प्रोजेक्ट का नाम, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होता तो मेरे को इंस्टाग्राम आप बता सकते हैं, इंस्टा पर आपको मतलब पूरा सपोर्ट मिलेगा। और बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से आपको दो चीज़ मिल जाएगा, पीडीएफ फाइल एंड पीएनजी, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और बता दें कि उस फाइल का पासवर्ड इसी वीडियो के माध्यम से पूरा स्टेप में आपको मिल जाएगा, आपको क्या करना है कि उसको एक साथ लगाकर अनजिट कर लेना, ठीक है। चलिए हम बाकी बात कर लेते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर पिक्सल लैब ओपन करके, ठीक है। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्ले स्टोर भी आसानी से अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको कैंसिल कर देंगे इसको, ठीक है। कैंसिल करने के बाद से कोई इस तरह का इंटरफेस होगा, आपको मैं पीएनजी से बताऊंगा, पीले पहले एडिट कर लेना, कैसे करना आपको बताते हैं। क्या करना कि यहाँ पर थ्री डॉट लाइन में क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद से यहाँ पर देख सकते हैं नीचे से आपको थर्ड नंबर पर ओपन डॉट पीएनजी फाइल मिलेगा, यहाँ पे इस पर क्या क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वाला मतलब कि है आपका, ठीक है, पीएनजी फाइल आपको कहना है कि यहाँ पर देख सकते हैं एक डॉट पीएनजी फाइल दिया है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से जहाँ भी आप डाउनलोड कर रखें यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद से कोई इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद से बैक चले जाना है और इस तरह का आपको देखो इंटरफेस मिलेगा। इसमें बॉर्डर वॉर्डर सारा चीज़ इसमें है, आपको क्या करना है केवल इस पर एडिट करना है इमेज और अपना नेम सोशल मीडिया, बाकी सब आपका जो इसमें आवश्यकता लगे एडिट कर सकते हैं। लेयर पर क्लिक करना है, सारा चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर एक एक पीएनजी इसमें लगाया गया है, ठीक है। और चलिए हम पीएनजी की बात कर लेते हैं कैसे हम लोग एडिट कर रहे हैं, ठीक है। एडिट करने के बाद से आपको देखिए इसको हम लोग बैक चले जाते हैं होम पे डिफॉल्ट बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये होम पेज है डिफॉल्ट, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह का होम पेज हम लोग को बन जाएगा। बाकी आपको क्या करना है कि यहाँ पर देख सकते हैं नीचे ऊपर यहाँ पर कॉर्नर पर देख सकते हैं थ्री डॉट लाइन दिया गया है, थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से आपको देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट में आपको मिल जाएगा और यूज फॉर्म गैलरी का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद से आपका सारा जितना भी इमेजेस होगा वो शो हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि इसमें मतलब जो भी पीएनजी आपको मिलेगा इसमें अभी गैलरी में शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको मतलब इमेज सेलेक्ट कर लेना है, चलिए मैं सेलेक्ट करके आपको बता देते हैं कैसे क्या करना है। ये मेरे को यहाँ पर क्लिक करते हैं वीक में, उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आपको मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह का मिलेगा। आपको क्या करना है सेलेक्ट कर लेना है, करने के बाद राइट क्लिक कर देना है, इसमें बॉर्डर ऑर्डर वगैरह वगैरह जितना भी लगा है उसको लगा दिया है, ठीक है। इसको क्या करना है कि यहाँ पर टेक्स्ट को यहाँ पर रख देना है, रखने के बाद आपको करना है पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो मतलब कि व्यक्ति के फोटो लगाना चाहते हैं इसको यहाँ पर लगाएंगे, सोशल मीडिया यहाँ पर लगाएंगे, अपना नेम यहाँ पर लिखेगा, ठीक है। हाँ, ध्यान रहे कि आपको इमेज जो भी लगाना है नीचे धुंधला होना चाहिए, अदरवाइज इसमें लगाएगा तो अच्छा नहीं लगा, ठीक है। और उस बिना धुंधला लगाना चाहते तो पीडीएफ फाइल यूज कीजिएगा, आपको आसानी से उसमें मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ फाइल, ठीक है। उसमें मतलब उसी पासवर्ड है दोनों का, एक ही साथ में मतलब एक ही पासवर्ड से दोनों काम हो जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ फाइल यूज कर लीजिए आसानी से, अदरवाइज पीएनजी आसानी से यूज कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए मैं बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पर फोटो लगाएंगे, नेम लिख लेंगे फटाफट से, चलिए वो भी काम कर लेते हैं, ठीक है। फोटो लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं प्लस का आइकन दिया है, प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे इस फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर से वहीं गैलरी पर अपना शो हो जाएगा और जो भी व्यक्ति के इमेजेस लगाना चाहते हैं वो इमेजेस सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर इमेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर अभी किशन जी का यहाँ पर इमेज सेलेक्ट कर लूँ, अच्छा से देख सकते हैं नीचे पे यहाँ पर धुंधला किया गया है, इसी तरह का आपको धुंधला करना, धुंधला नहीं करना था तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से आप धुंधला कर सकते हैं। इसको अच्छे से क्रॉप करना है, क्रॉप करने के बाद से आपको क्या करना है कि राइट क्लिक करना है और यहाँ पर क्या करना है कि छोटा कर लेना है आपको यहाँ पर, और उसको बाद से यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अच्छा से और इसके बाद से यहाँ पर क्लिक करके अच्छा से बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ जो टेक्स्ट दिया है टेक्स्ट पर डबल क्लिक करना है, आप जो इमेजेस के हिसाब से अपना नंबर लिख लेना, ठीक है, नाम लिख लेना, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे मतलब कि जो भी मतलब नाम लिखना चलते हैं यहाँ पर लिख सकता है साइंस, ठीक है। मैं यहाँ पर केवल रवि किशन लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करना है, ओके क्लिक करना है, यहाँ पर लगा देना है और उसके बाद स्क्रॉल करना है, यहाँ पर ये पे क्लिक करना है, ये स्क्रॉल करना है इधर, ये भी फ्रंट पर जाना है और उसके बाद क्या अपना जो भी मन चाहे फ्रंट रखना चाहते रख सकते हैं आसानी से, उसको देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से लग रहा है। इसी तरह का आपको क्या करना है कि इमेज अपना भाई यहाँ पर सोशल मीडिया लगा सकते हैं आसानी से, लगाने के बाद से अपना यहाँ पर शेयर पर क्लिक करना है और शेयर पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर डायरेक्ट इसका करना है कि यहाँ पर इमेज फॉर्मेट पर जाना है, पीएनजी सेलेक्ट करना है, क्वालिटी पर जाना है,
आपको अल्ट्रासाउंड करना है, सेव टू गैलरी कर लेना है। तो आई होप कि समझ गए होंगे किस तरह का एडिट करना है। बट बता दें कि आप सब के कमेंट बताइए कि आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या चाहिए, आपको अपना मतलब प्रोजेक्ट बताइए, आपको उसी कमेंट के हिसाब से आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। ठीक है।